आज हमारे पास आई है बनी हुई कुर्ती या बना हुआ कमीज जो होता है उसके ऊपर कैसे पेंट करते हैं। तो ये अभी जैसे आप देख सकते हैं, जस्वी इधर दिखाओ, ये ऑलरेडी बना हुआ शर्ट है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रेस कैसे करते हैं, यहाँ पे करना थोड़ा सा, कई बार हमें लगता है कि बने हुए कपड़े के ऊपर करना इजी नहीं है पेंट, उधर ठीक है बेटा, यहीं पे दो तीन पत्तियों पे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 20 इंच का पल्ला है जिसपे हमने अभी ट्रेस किया है, ठीक है। तो आप ये देखो, ऐसे हमने पल्ला ये कर लिया, पहले हाफ को हमने ट्रेस किया, उसके बाद हाथ रख लिया यहीं पे कि ट्रेस जो है वो हिले ना, ठीक। अब पल्ले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस वाली साइड से हम खींच रहे हैं ताकि इसके शर्ट के बने हुए पे जो है दाग ना लगे। वो ऐसे है, ऐसे समझाते हैं आपको, जैसे ये देखिए, ये शर्ट है, ये नेक बना हुआ है, ठीक है, ये उसकी फिटिंग की सिलाई है। तो रविंदर कैसे कर रही है, इसका जो पीछे का पल्ला है, ये वाला पल्ला जो है, इसको थोड़ा सा खींच के ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना कि ये कमीज का सिर्फ एक तय हो हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग से ऐसे ट्रेस रखी बिल्कुल फिक्स करके, ठीक है। ऐसे हरमन ने फिक्स किया हुआ है इसको ताकि हिले ना, बस यही थोड़ा सा बनी हुई शर्ट पे जो ट्रेसिंग होती है, ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ये आपको अच्छे से करना आ गया तो आप बने हुए किसी भी कपड़े के ऊपर जो है इजीली पेंट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया था ना ऐसे, ये करके जैसे हमने आपको बताया, रफ कपड़े से ऊपर से साफ कर दो ताकि नीचे की ट्रेस जो होगी है उसका थोड़ा सा एस्टीमेट हो जाए आपको और आपका ट्रेस पेपर साफ रहे। तो अभी हम इसे उठाते हैं, होपफुली रिजल्ट अच्छा ही आया होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, सक्सेसफुली आप देख सकते हो कि ट्रेस जो है बिल्कुल सही से कुर्ती के ऊपर उतर के आ गई है, ठीक। ये आप देख सकते हो ब्रीकी से, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके देखिए, ये बिल्कुल सही ट्रेस अभी इस पर आ गई है। ये पूरी शर्ट ऐसे बनी हुई थी, ये पूरी शर्ट ऐसे बनी हुई थी, और जब आपने इस पर पेंटिंग शुरू करनी है तो कोई भी रफ कपड़ा या आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे पल्ला उठाया, पीछे का पल्ला पीछे, नीचे जैसे हमने चादर बिछा रखी है ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद का ये जो हिस्सा है वहाँ पे आपको बीच में कोई न्यूज़पेपर या फिर बीच में कोई कपड़ा देना पड़ेगा ताकि पिछले पल्ले पे जो है वो ना लगे। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या हमने इस पे कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये वाली मैरून शर्ट जिस पे हमने अभी ट्रेस किया है, इसके लिए हम लोगों ने कलर थीम जो रखी है वो हमने सोचा है कि हम इसके ऊपर फ्लावर्स में फ्रोज़ा कलर करेंगे, येलो करेंगे और बेबी पिंक रखेंगे, और लीव्स में हमने इसमें थोड़ा काम शुरू किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जस्ट हमने इस पर वन कोट किया है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमने इसकी जो लीफ है उसमें लाइट ग्रीन कलर किया है, ये कुछ ऐसा वाला लाइट ग्रीन कलर है लाइक, ठीक है। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, ये अभी सिर्फ एक ही टोन हम लोगों ने कलर्स का किया है इसके ऊपर, इसके ऊपर दोबारा से कलर एक बार होगा। तो लाइट ग्रीन रखने का रीज़न ये होता है कि जब हमारे पास नीचे का जो बेसिक कलर जो है, जो मतलब बेस जो है कपड़े का जो कलर है, अगर वो डार्क होता है तो आपको हमेशा जो पत्ती है उसका कलर, चाहे वो पत्ती है चाहे वो फूल है, उसका आउटर टोन थोड़ा लाइट रखना होता है ताकि वो उस पर निकल के आए। अब आप देखिए, अब खुद ही सोचिए कि अगर मैंने ये वाला नीचे मैरून है और ऊपर का डार्क ग्रीन किया होता तो ये पत्ती की शेप इतने अच्छे से निकल के नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए लाइट शेड हमने यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमारे पास जो फ्लावर्स हैं, ये वाले यहाँ पे सबसे बड़ा एक फ्लावर है जिसको हम बेबी पिंक कलर का करेंगे, थोड़ा वाइटिश टोन का वो रहेगा। उसके बाद दूसरा फ्लावर जो उसके साथ वाला है उसको हम येलो करेंगे, ठीक है।
फिर फ्रोजा कलर है, फिर येलो कलर है। हमेशा जब आपके पास 3 से 4 तरीके के बंच हों फ्लावर्स के, आप सेम कलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि जब आपके पास ऐसा कोई ट्रेस है तो आप उसमें 3 से 4 जो शेड हैं वो ऐड कर लीजिए, ताकि जो भी विमेन पहन रही है उसके जो भी मनपसंद का जो भी कलर है उसके साथ का वो दुपट्टा भी ले सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक बेसिक तैयार हमारे पास हो गया है। अब कल है संडे, तो कल की है छुट्टी, सो कल शायद हम कुछ भी अपलोड ना कर पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो चाहिए ही होती है ना। तो फिर मंडे को इसका जो फाइनल ये बन जाएगा, मंडे को हम आपके साथ इसकी फाइनल लुक जो है वो रिवील करेंगे। और वीडियो को आपने लाइक करना है कि नहीं करना वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए जो बच्चियाँ काम सीखना चाहती हैं। अब मुझे ये भी नहीं मैं कह सकती आपको कि पता नहीं वो कौन से गांव में है, हिंदुस्तान के कौन से गांव में बैठी हैं वो बच्चियाँ, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम सब उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प के लिए हमने यही करना है कि हमें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, उन बच्चियों तक पहुँचाना है जो बाहर कहीं भी बैठी हुई हैं, जो कहीं भी बाहर हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि हो सकता है उनके पास सीखने के पैसे ना हों, जो हो सकता है उनके पास ऐसी परमिशन ना हो घर की तरफ से कि बच्चियाँ बाहर जाके कहीं पे सीखें। तो हम सब ने उनके लिए यही करना है कि उनके पास घर बैठी उनके पास ये सारी वीडियोस पहुँच सकें, जिससे कि वो सीख सकें। तो मिलते हैं मंडे को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।